फिलीपींस का एक व्यक्ति जब जंगल से गुजर रहा था तब उसे जंगल में बनी रहस्यमयी सीढ़ियां दिखाई दी जिन पर अजीब अजीब सिंबल बने हुए थे और फिर उसने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, जानेंगे हम पूरी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और साथ ही साथ जानेंगे हम कि क्यों ऐसे सुनसान जंगलों में ऐसी सीढ़ियां मिलती हैं जो आंखों से देखने पर तो कहीं भी जाती नजर नहीं आती, लेकिन अगर आप उन पर चढ़ जाते हो तो वो आपको एक रहस्यमयी दुनिया में जरूर ले जाती है। इसीलिए तो कहते हैं नहीं देख पाओगे आने वाली पीढ़ियां अगर गलती से चढ़ गए रहस्यमयी सीढ़ियां। तो इस वीडियो को रात में और अकेले में बिल्कुल मत देखना वरना बहुत बुरे बुरे सपने आएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। कई बार जंगल से गुजरते समय लोगों को ऐसी रहस्यमयी और डरावनी अधूरी सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिन्हें श्रापित सीढ़ियों के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय से ही जादू टोने में इस तरह की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और अगर ये कहीं आपको दिखाई दे जाए तो भूलकर भी इन पर चढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन किसी के कहने से कोई मानता है क्या? इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, फिसल पट्टी दिखती है तो फिसलने का मन करता है, झूला दिखता है तो झूलने का मन करता है, सीढ़ियां दिखाई देती है तो चढ़ने का मन करता है। और ऐसी ही कहानी है एक फिलीपींस के व्यक्ति की जिसको दिखाई दी थी जंगल में रहस्यमयी सीढ़ियां और वो मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने उन पर चढ़ने की गलती कर दी। इस कहानी को पूरा सुनना बहुत मजा आएगा। फिलीपींस के एक बंदे जिसका नाम था जॉन को जंगल में सीढ़ियां दिखाई दी और जॉन का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। जॉन फॉरेस्ट में ही जॉब करता था और उसका जंगल में आना जाना लगा रहता था, लेकिन ये सीढ़ियां उसे पहली बार दिखाई दी थी। पहले तो वो सोचने लगा कि आखिर जंगल के बीचों बीच इन सीढ़ियों का निर्माण आखिर किसने किया होगा, क्योंकि ना ही उसके आसपास कोई खंडहर था और ना ही कोई मकान, केवल पत्थर की सीढ़ियां थी। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे और सोचते सोचते ही जॉन के कदम उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। जॉन काफी थका हुआ था, उसने सोचा कि थोड़ी देर सीढ़ियों के ऊपर बैठकर आराम कर लिया जाए। जैसे ही उसने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया उसका कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। शायद उसका कुत्ता सीढ़ियों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था और वो जॉन को सावधान करना चाहता था। जॉन थोड़ी ऊपर तो चढ़ा लेकिन उसके बाद उसे कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतर आया और उसके बाद जॉन ने उन सीढ़ियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, वो सीधे अपने घर लौट आया। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते वो सब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जो इंसान नहीं देख सकता। शायद ऐसा ही कुछ जॉन के कुत्ते के साथ भी हुआ था। जॉन जब घर वापस आया तो उसके घर वाले उसे देखकर काफी हैरान थे, सारी चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी थी। जॉन ने जब घर वालों की पूरी बात समझी तो पता चला कि वो पिछले 5 साल से लापता था, जबकि उसको सीढ़ियों पर चढ़े हुए कुछ चंद मिनट ही हुए थे और वो उसी सुबह जंगल के लिए अपने घर से निकला था। जॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसका मतलब यह है कि उस सीढ़ियों पर गुजारे गए चंद मिनट उसकी जिंदगी के 5 साल के बराबर थे। जॉन को शुरू में तो यकीन नहीं आया लेकिन धीरे धीरे उसे सारी चीजें समझ में आ गईं। दोस्तों ये कोई रहस्यमय सीढ़ियों का जादू था या ऐसी कोई शक्ति थी जिसकी वजह से जॉन समय में आगे निकल आया था? ना ये बात उसको समझ में आई और ना ही उसके घर वालों को। किसी ने भी जॉन की बात का यकीन नहीं किया और जब जॉन के समझाने पर सबने उस जंगल में जाकर देखा तो वहां पर कोई भी सीढ़ियां नहीं थी। ये जो कुछ भी हुआ काफी डरावना था। सोचिए अगर जॉन ने कुछ मिनटों की जगह कुछ घंटे उन सीढ़ियों पर रुक जाता तो शायद वो तब अपने घर पहुंचता जब उसके सारे घर वाले बूढ़े होकर मर चुके होते या शायद उसे जानने वाला कोई भी इस दुनिया में बचा ही नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं भैया सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट का इस्तेमाल किया करो। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि कुछ लिफ्ट भी हॉन्टेड होती हैं और वो हमें ऐसी मंजिल पर पहुंचाती हैं जहां पर दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता है, लेकिन हॉन्टेड लिफ्ट के बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। साल 1940 में एक वैज्ञानिक जंगल में भटक गया था जहां उसे इसी तरह की कुछ सीढ़ियां दिखाई दी, लेकिन उस वैज्ञानिक ने वो गलती नहीं की जो जॉन ने की थी। वो उन सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा और वापस अपने घर लौट आया, लेकिन उन सीढ़ियों पर बने अजीबोगरीब निशान और सिंबल्स पर रिसर्च करने के लिए वो वापस आया। और जब वो वापस आया तो वहां पर उसे कोई सीढ़ी नहीं मिली, वहां पर केवल घना जंगल था और उस वैज्ञानिक ने भी सोच लिया कि शायद ये उसके मन का वहम था। लेकिन जब उसने वापस आकर अपने कस्बे के लोगों को ये बात बताई तो बहुत से लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी जंगल में ऐसी सीढ़ियां देखी थी जो अगले दिन उनको दिखाई नहीं दी। दोस्तों जंगल में मिलने वाली हर सीढ़ी भूतिया नहीं होती। आज के मॉडर्न जमाने में कुछ आर्टिस्ट जंगलों में और सुनसान जगहों पर ऐसे आर्ट्स बनाते हैं जो कि वायरल हों और लोगों का ध्यान खींचे, और कई बार इंटरनेट पर ऐसी चीजों को ही भूतिया और मिस्टीरियस बता दिया जाता है, लेकिन वो भूतिया नहीं होती, बस दिखने में थोड़ी सी अजीब होती है। लेकिन जब तक हमको नहीं पता कि भाई कौन सी सीढ़ी भूतिया है, हॉन्टेड है और कौन सी नहीं, बेहतर है कि जिस जगह के बारे में आपको नॉलेज ना हो आप वहां पर ना जाएं। देखो भूत होते हैं या नहीं, इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सुनने में सबको मजा आता है और आपको भी आज का वीडियो देखने में मजा जरूर आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।